क्या कहेंगे सर, अतिशी जी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है तीसरी बार। इससे पहले भी सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री थे, शीला दीक्षित भी लेडीज थे, कोई नई बात नहीं है। तीसरी मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, इनकी क्या मजबूरी है? मजबूरी से बनाने पड़े अरविंद केजरीवाल को, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोले जो आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप फाइल में साइन नहीं कर सकते, आप वहाँ को जा नहीं सकते। तो अरविंद केजरीवाल करते तो करते क्या, उसके पास कोई मौका ही नहीं था फाइल अगर साइन करना कोई काम होता, आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक उसके पास मजबूरी बैठ गया, उसने आरटीसी के सीएम बनाने से पहले बोला जो मनीष सिसोदिया भी नहीं बन सकता है, उसके ऊपर भी आरोप लगा हुआ, क्यों? उसको पता था अगर मनीष सिसोदिया अगर बनाएंगे तो पूरे पार्टी लेकर डूब जाएगा, जो केजरीवाल के पार्टी के नाम हो जाए मनीष सिसोदिया पार्टी हो जाएगा। तो उसने मजबूरी में आके आरटीसी को जी को बनाने पड़ा। आरटीसी जी आपने जब देखो उनको माला पहनाने के लिए क्या बोला, हम मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा केजरीवाल जी हैं, बहुत दुखी है, अंदर से दुखी इसलिए हैं जो ताकि अगर कल चुनाव होगा, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जीते, अगर आरटीसी जी नहीं जीते तो सुनीता भाभी जी जीत के आएंगे, अगर वो जीत के आएंगे तो सीएम महिला वो बनेंगे। अगर इनको ये भी डर सता रहा है जो बिहार में हुआ था, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ किया था, वो कुर्सी छोड़ने की तैयारी नहीं हो रहे थे, जैसे चंपल सोरेन ने झारखंड में किया था, वो कुर्सी छोड़ने की तैयारी नहीं हो रहे थे, इनका डर ये भी सता रहा था कि अगर हम बाद में अगर आएंगे तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो हम बैठ जाएंगे कहाँ पे, हम करेंगे क्या। तो मजबूरी है, मजबूरी नहीं, वो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, उन्होंने ईमानदारी साबित करने के लिए जो है इस्तीफा दे दिया। अब आरटीसी जी शीश महल के करेंगे निवास, अरविंद केजरीवाल गाय चराएंगे, सुनीता केजरीवाल लाएंगे घास, समझ गए मेरी कहने का मतलब? ये आने वाला समय आपको पता चल जाएगा आरटीसी क्या काम करेंगे या नहीं करेंगे। अब अभी चुनाव आ रहे, 4 महीने के बाद चुनाव है, 9 साल 8 महीने मलाई आप कहा, खाली कुर्सी इनको पकड़ा दिए आपने, खाली कुर्सी धरा दिए, जिसके अंदर में 13-13 मंत्रालय आते हैं उसके बाद भी काम नहीं करेगा तो काम करेगा क्या, क्या काम करके दें? आपने देखे थे जब धरना प्रदर्शन कर रही थी तो बोले थे बहुत बेहोश हो गया, बहुत तबीयत खराब है, जैसे ही अस्पताल के अपने आप चलने लग गया, इतनी नटंगी इतनी दरे में बाजी है, बाराखम्मा रोड पे ये जो थाना है उसके थाना के सामने गिर गया, बिल्कुल कूद रहा था एकदम, जैसे तालाब में से मछली की निकाल कूदता रहता पानी के बाद, वैसे तड़प रही थी ये। ये तो सबको ही पता था आरटीसी को बनाने पड़ेंगे, इसकी मजबूती इनका बनाने पड़ेंगे। देखो दिन कितना आसान सुना, जब 4 महीना रह गया इलेक्शन का, अब 2 महीना के बाद वो आचार संहिता लागू हो जाएंगे, वैसे सरकारी काम थप 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 हो जाएंगे, बस 2 महीने के बाद चुनाव होंगे, उसके बाद केजरीवाल के बीवी जीत के आएंगे, सुनीता केजरीवाल आएंगे, दिल्ली के सीएम सुनीता केजरीवाल ही बनेंगे आने वाला समय में, और वो भी बहुत जल्द बनेंगे। हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये सांप को हटाया बिच्छू को बिठाने का काम किया ये। वो तो आरटीसी भी कह रही है कि जो हम खड़ाऊ रख के भरत जैसा काम करेंगे, वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिए, फिर तो क्यों नहीं कर रहे, कहाँ चले गए, खड़ा रखो ना, क्यों क्या कहाँ गए लोकपाल बिल, 300 यूनिट बिजली दे रहे थे, क्यों बंद कर दिया आपने, क्यों दे रहे हैं, दो ना पंजाब में आप वादा करके हर महिला का 1000 रुपया देंगे खाते में सूट सलवार खरीदने के लिए, क्यों दे दिए, कितने महिला को देखा है, कितने लोग दिए आपने, देखे थे जब ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, पंजाब में अकेले अकेले चुनाव लड़े, जब केजरीवाल को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिला, बाद में कांग्रेस भी उससे बात करना बंद कर दिए। और जो ये बात शराब घोटाला की बात था, ये तो अजय मक्खन सुप्रिया सने जो इनके बड़े बड़े लीडर था ये पहले शुरू किए थे, बाद में गठबंधन हो गए। कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी ने बड़ा बढ़िया गेम खेला है, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, चुनावी केजरीवाल तो बहुत दिन से गेम खेला, गुजरात में गेम खेल के आ गए, वो यूपी से गेम खेल के आ गए, बिहार से गेम खेल के आ गए, झारखंड से गेम खेल के आ गए, गोवा से गेम खेल के आ गए, पर हर जगह से तो गेम ही खेल रहे हैं, लेकिन गेम में सफल कहाँ हो रहे हैं, सफल कहाँ हो रहे भाई साहब? ये दिल्ली में किसकी सरकार था, कांग्रेस का, पंजाब में किसकी सरकार था, कांग्रेस का, आप बताओ कौन सा स्टेट में बीजेपी को हराया, आप बता दो किस स्टेट का नाम बता दो, आप बता दो, अगर केजरीवाल से अगर मोदी डरता है तो ये बताया केजरीवाल कौन सा बीजेपी का स्टेट जीत के दिखा दिया आपने, मध्य प्रदेश से गेम खेल के चलाया क्या मिला, गुजरात से गेम खेल के चलाया क्या मिला आपको, राजस्थान से गेम खेल के चलाया क्या मिला, वही गेम आप वहाँ पे खेलने जा रहे हो, हरियाणा में खेलने जा रहे हो, वहाँ की भी जनता आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। देखो आप फ्री की लालच देकर कब तक सरकार चलाओगे, कब तक करोगे, कब तक चलाओगे, आपने फ्री की लालच पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ, आपने बोले एक बोतल फ्री दूंगा उसको भी बंद कर दिए, आपने बोले 200 यूनिट बिजली दूंगा उसको भी बंद कर दिए, 200 यूनिट पानी दूंगा उसको भी बंद कर दिए, फ्री है कहाँ पे? हम तो कह रहे हैं सरकार आपको बनाना है अरविंद केजरीवाल को, तो एक ही उपाय है, ये अभी से शुरू करें नोट छापने का मशीन मारना शुरू कर दीजिए, आप देख रहे हैं 2025 में वापस सरकार बन जाएंगे इसका, अगर अभी से नोट मारने की मशीन लागू कर दे, नोट छापने का मशीन जनता को देना शुरू करें। केजरीवाल बार बार तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार है, सत्ता का लोभ नहीं है उनको, सरकार की लोभ नहीं है, सत्ता की लोभ नहीं है, कि उनको उनके साथ न्यायालय ने न्याय किया है, दिल्ली की जनता भी न्याय करेगी, इसलिए तो सुनीता भाभी का फोन आया था मेरे पास, हमने पूछा क्यों भाभी जी क्या हो गया, बहुत उदास हो गया, तो बोला भैया को कुर्सी छीन लिया, हमारा किसने छीन लिया, तो बोला झूठ बोल के कुर्सी लाया था, जनता ने छीन लिया कुर्सी को, मतलब क्या झूठ बोला था, बोला था मैं बच्चे की कसम खाऊंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं किसी से अलायंस करूंगा ना, मैं सुविधा लूंगा, मैं गाड़ी बंगला कुछ भी लूंगा, लेकिन भैया ने जबरदस्ती ले ले जनता ने कुर्सी छीन लिए।